हेलो, मैं हूं मनीष बहल माइंडफुल साइंस सेंटर से। माइंडफुल साइंस सेंटर जो प्रमोट करता है माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस रिलेटेड टॉपिक्स इंडिविजुअल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और ये हमारा प्रोग्राम माइंडफुल मोमेंट्स। हम चाहते हैं कि माइंडफुलनेस करें समाज के लिए, अपने लिए और अपने एनवायरमेंट के लिए। और आज का टॉपिक है मेडिटेशन और मेडिटेशन के बारे में समझना कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एक्चुअली दुनिया के लिए गिफ्ट है भारतवर्ष की तरफ से। ये एक एंशियंट ट्रेडिशन है इंडिया का, जो कि आज भी उतना ही पावरफुल है जो शायद हजारों साल पहले रहा होगा। इनफैक्ट आज इसकी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए ये आज दुनिया भर में मशहूर हो गया है। सारे लोग, ऑलमोस्ट दुनिया भर के सभी लोग मैं कहता हूं, आज मेडिटेशन को या तो जानना चाहते हैं और उसे करना चाहते हैं। इसलिए दुनिया भर में तरह तरह की मेडिटेशंस होती है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह की मेडिटेशंस हैं और दुनिया में किस प्रकार की मेडिटेशंस होती है। सो एक्चुअली मेडिटेशन है क्या, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कुछ मेडिटेशन के फायदे, तो आज बताता हूं कि मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है। मेडिटेशन का मतलब है आप फोकस करना, अपने दिमाग को एकाग्र करना और पीसफुली करना। मतलब आपने अवेयरनेस रहे, आप फोकस कर पाए और आप पीसफुल रह पाए, काम रह पाए। ये हेल्प करता है कि हम अपनी स्पीच और एक्शन, मतलब हमने अपने अपने बोलने और अपने कर्म करने को ऑब्जर्व कर सकें, ताकि हम जो चॉइसेस करें वो हमारी माइंडफुल चॉइसेस हों, जो इफेक्ट करती है हमको और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को। मतलब कि हमारा बोलना और हमारा एक्शन करना दोनों अट्यून रहता है हमारी चॉइसेस के साथ। यदि हम बेसिक लाइफ में देखा जाए तो माइंडफुलनेस वो प्रैक्टिस है जो हमें ट्रेन करता है आज के होने वाले स्ट्रेस से, और प्रमोट करता है हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस। अब ये सेल्फ अवेयरनेस या आत्मज्ञान क्या है, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बात करी, बट मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा। आज हम बात करेंगे कि कितने प्रकार की मेडिटेशंस हैं और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जितने रीजंस हैं मेडिटेशन के, उस वैसे ही उतनी प्रकार की मेडिटेशंस हैं। लोग डिफरेंट डिफरेंट कारणों के कारण मेडिटेशन करते हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मेडिटेशंस डेवलप हुई। ये प्रैक्टिसेस आज की डेट की नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस हैं और आज भी नई प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही हैं। नाउ जब आप चाहें मेडिटेशन के बारे में सीखना, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं और किस प्रकार की मेडिटेशन आप चुनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कितने प्रकार की मेडिटेशंस होती हैं, शायद मैं कुछ मेडिटेशंस का नाम लूंगा, और इसके फायदे क्या हैं और इसे कैसे करा जाए। तो यदि हम बात करें तो आज की डेट में बहुत फेमस हो गई है माइंडफुलनेस मेडिटेशंस। दूसरी प्रकार की मेडिटेशन है गाइडेड मेडिटेशन, लव एंड काइंडनेस मेडिटेशन, फोकस अटेंशन मेडिटेशन, मतलब ध्यान एकाग्र करने की मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, कुंडली मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, मंत्रा या चैंटिंग मेडिटेशंस है, मूवमेंट बेस्ड मेडिटेशंस है या एक्सरसाइज बेस्ड मेडिटेशन है, योगिक मेडिटेशंस है, स्पिरिचुअल मेडिटेशंस है जहां हम किसी म्यूजिक बेस पे ध्यान लगाते हैं, ज़ेन मेडिटेशंस है, तंत्रा मेडिटेशंस है, ताविस मेडिटेशंस है, विपासना मेडिटेशंस है जहां पे आपको एक काफी लंबे समय की रखा जाता है, जहां आपका बोलना, आपका आचरण करना एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहता है, बॉडी स्कैन मेडिटेशंस है, ध्यान ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशंस है। सो मैं इन मेडिटेशंस के बारे में बहुत सारा बता सकता हूं और इस प्रकार की कंटिन्यू वीकेंड बात कर सकते हैं कितनी प्रकार की मेडिटेशंस है। आज हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। दोस्तों आपने सुना होगा माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हाँ। सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमारे इस विश्व में आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो गई है। ये मेडिटेशन ये आज की नहीं है, ये हमारे हमारे जीवन में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से है। इसका एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं पता, बट माना जाता है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन तकरीबन सभी धर्मों में करी जाती थी, चाहे वो हिंदुज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, जूडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस एक्चुअली करी गई। इनका जो ओरिजिन माना जाता है वो इंडियन स्क्रिप्चर्स में,
वेदास में, उपनिषदास में, जो कि तकरीबन 5000 साल पुराने हैं, इनका काफी डिटेल्ड वर्णन है और इन प्रैक्टिसेस के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। मजे की बात यह है कि अब साइंटिस्ट इन मेडिटेशन पे बहुत काम कर रहे हैं और वो पा रहे हैं कि मेडिटेशन आज की चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब जितने तेजी से वर्ल्ड बदल रहा है, उसके लिए एक वरदान है। तभी शायद पुराने स्क्रिप्चर्स ने इन मेडिटेशंस को इतनी डिटेल्स में लिखा गया है। ऑल्दो आज इनका अर्थ रिलीजियस से बदलकर एक दिनचर्या में तब्दील हो गया है, मतलब ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से निकल करके आज डे टू डे लाइफ में आ गए हैं। तभी तो सभी प्रकार के साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ प्रोफेशनल्स आज की डेट में मेडिटेशन सब्सक्राइब करते हैं। जैसे भी आपको दवाई लिखते हैं उसके नीचे जरूर लिख देते हैं कि भाई मेडिटेशन भी करा करें। इसका मतलब ये है, ये आपको हेल्प करता है स्ट्रेस और आज मॉडर्न वर्ल्ड की डिजीज से। मानेंगे इस बात को, और मैं इस बात का पक्का गवाह हूं कि ऐसा होता है। तो जब हम बात करते हैं कि मेडिटेशन कितने प्रकार की है, तो इसके काफी स्टाइल्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का जो मेन स्वरूप है वो दो चीजों पर निर्भर है। नंबर वन, आपकी अवेयरनेस। सो आप अवेयरनेस का मतलब है आपका एकाग्रता, आपका ध्यान। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन डेवलप करता है आपके अंदर वो ध्यान, वो फोकस, वो अटेंशन। ये अटेंशन डेवलप की जा सकती है आपकी ब्रेथ के ऊपर, आप अपना ध्यान लगाएं, अपनी बॉडी पे अपना ध्यान लगाएं, बाहर होने वाली आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ सेंसेस से ड्रिवन कुछ चीजों पे अपना ध्यान लगाएं, या ये ध्यान अपने इंटरनल थॉट्स पे लगाया जा सकता है। तो देखिए कितनी सारी चीजों पे आप ध्यान कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो काफी वर्सेटाइल मेडिटेशन मानी जाती है। सो एक तो हो गई अवेयरनेस, और दूसरा एलिमेंट हो गया इसका नॉन जजमेंट। नॉन जजमेंट का मतलब है किसी भी चीज का विश्लेषण या उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना करना। मतलब आप फोकस कर रहे हैं, आपको एक एक्सपीरियंस हो रहा है, बट आप उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, मतलब या उससे अटैच नहीं हो रहे या क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। मतलब जैसे मैंने एक थॉट लिया, मैं उसको विटनेस कर रहा हूँ। विटनेस मतलब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस सेंसेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं उससे उसकी ना तो क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ और ना ही मैं उससे अटैच हो रहा हूँ। तो ये एक नॉन जजमेंट पॉइंट आ जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब है कि आप फुल्ली प्रेजेंट हैं बॉडीली, ब्रेथ से और अपने थॉट के साथ। इन तीनों लेवल के ऊपर आप प्रेजेंट हैं। तो इसके दो मेजर पार्ट हैं, जैसे मैंने पहले बताया अवेयरनेस और नॉन जजमेंट। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये है इसके सटल एंड ग्रॉस। मतलब ग्रॉस का मतलब बॉडीली अवेयरनेस, सटल का मतलब थॉट अवेयरनेस। आप इन दोनों में कैसे अवेयरनेस बिल्ड करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है, इसका मतलब है माइंडफुलनेस। ओके, जब हम ये सब करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, हमें समझ आता है कि माइंडफुलनेस एक्चुअली कहाँ हेल्प करता है। हमें नॉन रिएक्टिव बिहेवियर की तरफ लेके जाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम हर चीज पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं अपने जीवन में। कोई भी कुछ कह देता है, हम बहुत जल्दी एग्री हो जाते हैं। एक छोटी सी बात हमको पूरा दिन या कुछ वीक या हफ्ते के लिए अपसेट कर सकती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हेल्प करता है उस रिएक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करने में। ठीक है, ये मेडिटेशन जो है कहीं पर भी कभी भी की जा सकती है। मैं इसके बारे में और डिटेल बताना चाहता हूँ। कुछ लोग एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो क्वाइट हो, जहाँ पे वो डिस्टर्ब ना हो, आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं या अपने थॉट पे लगा पाते हैं। पर माइंडफुल मेडिटेशन आप कभी भी और कहीं पे भी करी जा सकती है। इनफैक्ट माइंडफुल साइंस सेंटर में हम लोग माइक्रो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस सिखाते हैं, मतलब छोटी छोटी माइक्रो प्रैक्टिसेस सिखाते हैं मेडिटेशन की, जिससे कि आप बहुत लंबे ड्यूरेशन में किसी प्रैक्टिस को ना करके छोटे छोटे पार्ट्स में प्रैक्टिस को करा जा सकता है। आप दिन में कभी भी कहीं पे भी, जैसे गाड़ी चलाते हुए, कम्यूट करते हुए, बस में बैठे हुए, ट्रेन में, इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन करी कैसे जाए। इट्स सिंपल है,
आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि इन थॉट्स से पैदा होने वाले इमोशंस क्या हैं, और इनको धीरे से अपने अपने थॉट प्रोसेस से पास होने देना है और बिना जजमेंट क्रिएट किए हुए। माइंडफुलनेस एक क्वालिटी है उस मोमेंट में अवेयर रहने की, बिना उन थॉट के साथ उलझे हुए, मतलब बिना एंगेज हुए, बिना कोई यूज या कुछ भी लड़े हुए उन थॉट्स के साथ आप प्रेजेंट हैं कि हाँ क्या घट रहा है और फुली फोकस्ड है, मतलब आपको आपको पता है कि क्या हो रहा है और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन या आसपास होने वाली अवेयरनेस में आप अवेयर हैं बट आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। आसान लग रहा है कि मुश्किल? तो मतलब ये हुआ कि आप पूरी तरह अवेयर हैं अपनी फीलिंग्स के साथ और अपने थॉट के साथ और आप उनसे उलझ भी नहीं रहे हैं। तो माइंडफुलनेस आपको ट्रेन करता है कि आप उस मोमेंट और मोमेंट अवेयरनेस को कल्टीवेट करें, मतलब उसमें डेवलप करें, एक मसल है जो डेवलप कर देता है। जब हम अपने आप को सिखाते हैं माइंडफुलनेस तो हम एक्चुअली अपने जीवन के सभी पहलू में बहुत माइंडफुल हो जाते हैं, मतलब हम उन जैसे मैंने बोला रिएक्टिव फीलिंग्स और थॉट्स को छोड़ करके उन चीज़ों को देख पाते हैं, अपने आप को रोक पाते हैं और फिर चूज करते हैं कि हमें उस पर कैसे बिहेव करना है। जब हम ये देखते हैं तो हम अपने बिहेवियर को भी देख पाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट पर आप सोचिए क्या होता होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने जीवन में होने वाले तनाव को घटा लेते हैं, उस डिप्रेशन, उस एंग्जाइटी और उस होने वाले पेन को देख पाते हैं और उससे डील करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करते हैं। जब हम माइंडफुल प्रैक्टिस करते हैं या माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं तो हम काम हो जाते हैं, हम उस मोमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज पे कोई रिएक्ट ही नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं या हम रिस्पांस देते हैं, मैं उस बात को रिएक्ट से रिस्पांस पे ले जाता हूँ, हम रिस्पांस देते हैं, हम सोचते हैं, हम समझते हैं उस चीज को और फिर हम उसके ऊपर रिस्पांस करते हैं। तो ब्रेन एक इमिडिएटली भाग के डिसीजन नहीं लेता, वो सोचता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है और डिसीजन लेता है। इससे क्या होता है कि हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव हैबिट डेवलप करते हैं, हम चूज करते हैं कि हाँ ये शायद मेरे लिए अच्छा है या गलत है, या ये शायद दूसरे के लिए अच्छा है कि गलत है। जब हम इस ब्रेन को स्लो कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन में स्ट्रेस को तकरीबन खत्म कर देता है। अच्छा, इसका एक और फायदा ये है कि हम इससे क्रिएटिविटी बढ़ा पाते हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। आप सोचिए कि एक एक तालाब है जो जिसमें हम पत्थर मार मार के उसके अंदर हम तरंगे पैदा कर रहे हैं, तो क्या उस तालाब का आप बॉटम देख पाते हैं, उसका जो तल है देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी तरंगे उठ रही हैं। इसी तरह हमारा दिमाग है, जब उसमें बहुत सारी तरंगे उठ रही होती हैं तो हमारे अपने जो दिमाग का मेन एसेंस है या मेन एबिलिटी है हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या करता है, उस ब्रेन को स्टिल देता है ताकि हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है और हमारी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और इसकी ट्रेनिंग बहुत ही डिफिकल्ट होगी। मेडिटेशन ट्रेनिंग के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक मार्शल आर्ट स्कूल था जहाँ पे एक टीचर ने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता। एक बच्चा अपने टीचर के पास आया और कहने लगा कि सर मैं बहुत डिवोटेड हूँ अपने मार्शल आर्ट सीखने के लिए, क्या मुझे बताएंगे कि मुझे मार्शल आर्ट सीखने में कितने साल लगेंगे, मुझे आपके जैसा मास्टर बनना है। तो टीचर ने बोला कि देखो 10 साल की ट्रेनिंग कम से कम चाहिए। ये आंसर सुन के बच्चा बहुत इंपेशेंट हो गया और कहने लगा कि सर मैं इसको जल्दी सीखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं तकरीबन रोज 8 से 9 घंटे 10 घंटे मैं इस पर मेहनत करूँगा और मैं जो आप कहेंगे मैं करूँगा, तो मुझे बताएं कि कितने साल लग जाएंगे। तो टीचर ने कुछ देर सोचा और कहा कि तकरीबन 20 साल। आप सोच रहे होंगे कि बच्चा जब ये इतनी मेहनत करने को तैयार है तो टाइम डबल क्यों लग गया। सोचिए कि आप जिम जाते हैं और कल सुबह ही आपको आप कहते हैं कि मुझे 6 पैक बनाने हैं, मुझे उसके लिए मुझे 15 दिन में ही मेरे बन जाने चाहिए, तो शायद नहीं बन पाएंगे। फिजिकली तो फिर भी पॉसिबल है पर मेंटल एजिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उस प्रैक्टिस को
रेगुलरली करें, जितना टाइम डिफाइन किया गया है उसको करें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हो सकता है जो लोगों में ज़्यादा समय लगा आप में कम समय लगे, और आप उस मेडिटेशन से अपने में एकाग्रता और फोकस जल्दी डेवलप कर पाए। पर यदि आप सोचें कि मैं 8-10 घंटे से ही मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर दूंगा तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप सही मेडिटेशन प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सीखें, और उसको फिर सीखने के बाद उसको अपने जीवन में रेगुलर करें। जैसे आपने यदि सुबह की प्रैक्टिस बनाया, फिर जीवन में जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको रेगुलरली करें, आप देखेंगे धीरे धीरे आप में परिवर्तन आने लगेगा, आप में चेंज आने लगेगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आप उतनी जल्दी बीमार नहीं होंगे जिससे यदि आप हो जाते हैं, या यदि आप बीमार हैं तो आपकी एबिलिटी टू डील विद दैट फीवर और विद इलनेस चेंज हो जाएगी, आप एक बेटर पर्सनैलिटी की तरह उभर के आएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के जरिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये आप औरों के साथ भी शेयर करें, और मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैं माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस के बारे में और बताऊंगा और बहुत सारी मेडिटेशंस के बारे में बात करेंगे। आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मनीष बहल, नमस्ते।